Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are guys doing well. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों के मेकअप में क्या रूल्स और क्या डॉट्स. इट मींस कि एक साइड में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि आपको मेकअप किस तरह करना चाहिए. नेक्स्ट साइड में मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को मेकअप करते हुए क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें. सबसे पहले तो आप लोगों को अपने बालों को कवर करना होगा. कुछ इस तरीके के टिप्स आते हैं मेकअप करते हुए बालों को कवर करने के लिए. तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बालों में वो लगा लेना है क्योंकि जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें वो आपके बालों के ऊपर ना लगे क्योंकि वो उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी ब्राउज से. तो अभी मैं इस साइड पे आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कि आप लोगों को किस तरह आईब्रोज नहीं बनानी चाहिए. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं इस तरीके से अपनी ब्राउज को ना बिल्कुल डार्क फिल कर लेते हैं आगे से भी एंड पूरा पीछे तक. ओके, तो मैं काफी ज्यादा लोगों को देखती हूँ जो इस तरीके से अपनी ब्राउज को आगे से लेके पीछे तक बिल्कुल डार्क कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. बट उन लोगों को पसंद आ रही होती है, बट आगे जो सामने वाला बंदा देखता है तो उनको अच्छी नहीं लगती. तो मैं अपनी ब्राउज फिल करने का सही वे बता देती हूँ. तो यहाँ पर सेम पेंसिल यूज करके दूसरी ब्राउज को फिल करने के लिए अपनी नीचे वाली लाइन बिल्कुल सही तरह फिल करके एक फिंगर गैप छोड़ के ऊपर वाली ब्राउज फिल करूंगी ऊपर से एंड एंड से मैं पूरा फिल कर दूंगी. एंड ये जो स्कूली है इसकी हेल्प से मैं ब्राउ को बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म कर दूंगी. सो दिस इज द राइट वे टू फिल योर ब्राउज. आप लोग दोनों आईब्रोज में खुद डिफरेंस देख सकते हो. मैं काफी ज्यादा इवेंट्स में जाती हूँ जहाँ पे लोगों ने लिटरली कुछ इस तरीके के आई मेकअप किए होते हैं, लाइक अपने जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर डार्क आई शेडो लगाया हुआ होता है. मैं आप लोगों को सेम क्रिएट करके दिखाती हूँ अभी. बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कुछ इस तरीके से अपने आई मेकअप करते हैं. अपने आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल समझते हैं. अपने आपको प्रोफेशनल समझना इज बेस्ट. अपने आपको समझना चाहिए कि आप लोग सबसे अच्छा आता है करना. बट अगर आप लोग सही वे में करें तो वो सही रहेगा. इस तरीके का आई मेकअप आप लोगों का मजाक उड़वा सकते हैं हर जगह पे. तो मैं आप लोग सही आई मेकअप बता दूँ किस तरह कर. तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी लिड के ऊपर लगाना होगा कंसीलर. आप लोग कोई भी कंसीलर ले सकते हैं. अगर आप लोगों के पास कंसीलर नहीं है तो आप लोग फाउंडेशन यूज कर सकते हैं कोई भी अपनी लिड के ऊपर अच्छे से सेट करके. तो यार मैं यहाँ पे सिर्फ दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही. मैं पहले खुद भी जब बिगिनर थी तो मैं इस तरीके का मेकअप किया करती थी. तो सही वे यही है कि आप लोग पहले कंसीलर अप्लाई करें क्योंकि जो भी आप लोगों का आई मेकअप होगा पॉप अप करे अच्छे से इनहेंस हो. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया अपने आई मेकअप के नीचे तो कितना लाइक इनहेंस ही नहीं हो रहा है मेकअप. तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी फ्लफी ब्रश लेना है. यहाँ पर सेम शेड यूज करी जो मैंने इस वाली आई पे यूज किए थे. सबसे पहले मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ब्राउन शेड अप्लाई करूंगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करना है. यार ब्लेंडिंग इज द गेम ऑफ मेकअप. अगर आप लोगों को ब्लेंडिंग नहीं आती तो आप लोगों का मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है. तो भी आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्राउन शेड अप्लाई कर लिया अपनी आंख पर. देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ पेंसिल ब्रश के ऊपर ब्लैक आई शेडो. इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर वी शेप में अप्लाई कर दूंगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करना है. सो अभी यहाँ पे मैंने लिया सेम ग्लिटर शिमर. इसे मैं अपनी इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी एंड यार फिंगर से ना शिमर शेड्स बहुत ज्यादा अच्छे से प्लेस हो जाते हैं. ओके, सो अभी आप लोग देख सकते हैं ये वाला आई मेकअप कितना ज्यादा इनहेंस हो रहा है एंड ये वाला कितना ज्यादा लाइक अजीब सा लग रहा है. सो अभी मैं आप लोगों को आई लाइनर अप्लाई करके दिखाती हूँ. कुछ लोग बस यहाँ से लेकर लाइक अपने एंड तक ना जस्ट अपनी ऊपर वाली लेस लाइन को जो है फिल कर लेते हैं लाइनर की हेल्प से. तो ये तरीका बिल्कुल गलत है. आप लोगों ने इस तरीके से जस्ट लाइनर अप्लाई नहीं करना. आप लोगों ने सबसे पहले अपने ये जो आप लोगों का आउटर कॉर्नर है यहाँ से एक ऊपर लाइन खींचनी है. आप लोगों ने अपनी एंड वाली लेस से यहाँ से ऊपर तक लाइन खींचनी है. एंड इसे पूरा अंदर तक फिल कर देना. ओके, यहाँ पे आप लोग दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं. जहाँ पे मैंने विंग बनाई वो आई मेकअप कितना ज्यादा इनहेंस हो रहा है. देन हमें अप्लाई करना होता है मस्कारा. लोग जस्ट एक कोट अपनी लैशेस पर अप्लाई कर लेते हैं जस्ट नीचे से. एंड मस्कारा अप्लाई करने में लाइक कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, ये हर कोई कर लेता है. सो अभी मैं आप लोगों को दूसरी आई लैश पे मस्कारा अप्लाई करके दिखाती हूँ. जस्ट आप लोगों ने जो आपका मिरर होगा वो आप लोगों ने ऊपर पकड़ना है एंड सबसे पहले नीचे एक कोट लगाना है. देन अपना ये जो मिरर होगा नीचे करके ऊपर से ना अपनी लैशेस को कर्ल करना है. आप लोग दोनों आई लेशेस में फर्क देखिए. यहाँ पे मैंने मस्कारा अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा राउंड करके ऊपर से मस्कारा अप्लाई किया है. ओके, मस्कारा तो सब अप्लाई कर लेते हैं बट उसके बाद लेशेस अप्लाई करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकअप जो हर कोई अवॉइड कर देता है. आपका जो आई मेकअप होता है वो लेशेस अप्लाई करने के बाद बहुत ज्यादा इनहेंस होता है. तो इस वाली आंख पे मैं लगाऊंगी आई लेशेस. बाकी जो लोग होते हैं या जब मैं भी बिगनर थी मैं भी अपनी आईज पर आई लेशेस नहीं अप्लाई करती थी क्योंकि मैं डरती थी कि वो यहाँ से उतर जाएगी या तो फिर वो लाइक मेरे से लगेगी नहीं या सारी ग्लू फैल जाएगी मेरी आंख पे.
ओके तो लेशेज अप्लाई करने में कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, जैसे आप लोगों ने कोई भी लेस ले लेनी है। यहाँ पे मैं ये वाला स्टाइल ले रही हूँ लेश का, एंड मैंने इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर ली है। ग्लू अप्लाई करने के बाद आपने लेश को थोड़ा सा बेंड करते रहना है, क्योंकि जो आई लेश है वो आपकी आंख के ऊपर इजीली लग जाए। एंड जो ग्लू होगी आप लोगों ने उसे आई लेश पे सूखने देना है 30 सेकंड्स के लिए। तो अब मैं अपनी आंख पर आई लेश लगाऊंगी। सबसे पहले अपना जो मिरर है वो थोड़ा नीचे करके पकड़ना है, देन आप लोगों ने लेश को अपने हाथ में पकड़ के जस्ट यहाँ पे प्लेस कर देना है अपने जस्ट ऊपर वाली आई लेश के बिल्कुल लाइक लाइन में, बिल्कुल साथ में अटैच कर देना है। देन इनर कॉर्नर से ज्वाइन करना है, देन आउटर कॉर्नर से। ओके तो भी आप लोग देख सकते हैं आई लेश लग चुकी है एक आंख पे, कितना ज्यादा जो मेकअप है आई लेश अप्लाई करने के बाद इनहेंस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द अदर वन। तो मेकअप में आई लेश अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिए, भले आप थोड़ी कम वॉल्यूम वाली लेशेज अप्लाई कर ले, लेकिन अप्लाई जरूर करें। ओके तो मेरे डोज और डोज का जो है आई मेकअप जैसे ही कम्प्लीट हो, तो बात कर लेंगे थोड़े से फेस मेकअप की, आप लोग अपने फेस मेकअप में क्या क्या गलतियां करते हैं। तो मैं इस साइड पे आप लोगों को बताऊंगी, इस साइड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं करते, जस्ट डायरेक्ट एक चिट्टा फाउंडेशन आई मीन लाइट फाउंडेशन लेते हैं एंड अपने फेस के ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। उनका जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो भी कुछ इस तरीके का, जो बिल्कुल भी डैम्प नहीं होता, वो बिल्कुल जस्ट ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं और अपनी स्किन के ऊपर जो फाउंडेशन लगा होता है इसे जस्ट ट्रैक करते हैं समथिंग लाइक दिस। लोगों का ये तरीका होता है फाउंडेशन अप्लाई करने का, एंड यहाँ पे मैं एक चीज भी छूटने के लिए, लिटरली मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा इस तरीके से मेकअप करते हुए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन जो है मैंने बिल्कुल सेम वे में अप्लाई कर, मैं इस तरफ आप लोगों को फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाऊंगी कैसे आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए लेना चाहिए कोई भी सीरम, उसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। अगर ऑयल बेस्ड सीरम है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में अप्लाई करें, अगर जेल बेस्ड है तो थोड़ा आप अच्छा खासा भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद कोई भी आप लोगों ने जो है प्राइमर ले लेना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, जहाँ पे आपके पोर्स हैं उस तरफ ज़्यादा अप्लाई करना है प्राइमर। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब जो मेरा जो कैनवास है, जो मेरा फेस है वो बिल्कुल रेडी है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, बट अभी भी मैं अपनी स्किन को पहले कलर करेक्ट करूंगी। यहाँ पे कलर प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर भी मेरे डार्क एरियाज हैं, डिस्कलरेशन है स्किन पर, वहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, क्योंकि जो मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी ग्रे ना हो। अभी मैं यहाँ पे जो कंसीलर है इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करूंगी। ओके तो यहाँ पे मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसके ऊपर मैंने अपने जस्ट स्किन से एक से दो शेड लाइट फाउंडेशन लिया है, बहुत ज्यादा लाइट फाउंडेशन नहीं लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लिया है, अभी आप लोग देख सकते हैं इसे मैं अपने फेस के ऊपर ब्लेंड आउट करूंगी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को इस साइड पे बताया कि लोग किस तरह ड्रैग करके फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, वो टोटली रॉन्ग वे है फाउंडेशन अप्लाई करने का। आप लोगों ने हमेशा टैप टैप करके फाउंडेशन ब्लेंड करना है, दिस इज द राइट वे टू ब्लेंड आउट योर फाउंडेशन। देख सकते हैं इस जगह पे फाउंडेशन कितना ज्यादा इजीली ब्लेंड आउट हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को पहले अच्छे तरीके से प्रेप एंड प्राइम किया था फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग डॉन्स में गलती करते हैं उनमें से ये भी कि वो अपने नेक के ऊपर फाउंडेशन नहीं अप्लाई करते, अपने बूथे को गोरा गोरा कर लेते हैं, अपने नेक को भूल जाते हैं। इस तरीके से आपका जो नेक एरिया है बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। तो इस वाली साइड पे मैं अपने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। अभी मैं आप लोगों को डॉन्स वाली साइड पे कंसीलर अप्लाई करके दिखाती हूँ जिस तरीके से लोग अप्लाई करते हैं। तो फाउंडेशन के बाद कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लोग कुछ इस तरीके से जो है कंसीलर अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना तरीका है अप्लाई करने का कंसीलर। जस्ट अपनी अंडर आइज पे कंसीलर अप्लाई करते हैं, अपने फेस पर कहीं कंसीलर नहीं अप्लाई करते। इन लोग समझते हैं कि लोग जो कंसीलर अप्लाई करें वो अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए अप्लाई करें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनका जो वे होता है अप्लाई करने का कंसीलर, लाइक जैसे पहले लाइट फाउंडेशन लगा लेते हैं उसके बाद कंसीलर, तो उससे उनके अंडर आई एरिया और ज्यादा इन्हेंस हो जाते हैं, लाइक और ज्यादा उनके डार्क सर्कल्स दिखने लग जाते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग वे है कंसीलर अप्लाई करने का। एंड फिर वो सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी डैम नहीं होता, उसकी हेल्प से ही अपना जो कंसीलर होता है इसे भी ब्लेंड आउट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा लाइट लग रही है जगह, बट जैसे ही मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया लाइट से ग्रे होने लग जाए, क्योंकि मैंने अपनी स्किन के ऊपर कोई कलर कलेक्शन नहीं की। सो अब जो राइट वे अपनी स्किन के ऊपर कंसीलर अप्लाई करने का वो ये है कि जस्ट यू गाइस हैव टू टेक योर लाइट कंसीलर, उन्हें जो अपने डार्क सर्कल्स हाइड करने होते हैं तो मैंने फाउंडेशन से पहले हाइड करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज कलर करेक्टर, जिसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। यू गाइस कैन सी मेरा अंडर आई एरिया कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है। तो जस्ट आप लोगों ने अपने इनर कॉर्नर में एंड आउटर कॉर्नर में जो है कंसीलर अप्लाई करना है, एंड नोज के अराउंड, लिप्स के अराउंड एंड चिन पे एंड सम ऑफ द फोरहेड।
सो दिस इज द राइट वे टू अप्लाई कंसीलर ऑन योर फेस। जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, इससे जो मेरा हाइलाइटिंग एरिया बहुत ज्यादा इनहेंस होगा। एंड डार्क सर्कल्स मैंने पहले ही हाइड कर लिए थे विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज कलर करेक्टर। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं डेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो कंसीलर है उसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। एंड जिस टेक्निक से मैंने ये कंसीलर अप्लाई किया है उससे जो मेरा फेस है वो बहुत ज्यादा लिफ्टेड लगेगा एंड अच्छा लुक आएगा, हाइलाइटेड एरिया लगेगा मेरे फेस का। एंड अपना जो भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था इसे ब्लेंड आउट करूंगी अपवर्ड्स में। अच्छा, जब हम अपने फेस को हाईलाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसीलर, वो इसलिए करते हैं कि हम जो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपनी स्किन टोन के जैसा, वो थोड़ा सा एक हमारे स्किन टोन से ऐसे दो शेड लाइट होता है जो थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होकर हमारे फेस के कलर जैसा ही लगने लग जाता है। देन उसके बाद जो हमें हाइलाइटेड एरियाज होते हैं लाइक ये वाला एंड जो मैंने जितनी जगह पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया, ये होता है कि जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया हुआ होता है ना वो जगह हाइलाइटेड लगने लग जाती है, लाइक लाइट लगने लग जाती है। फाउंडेशन के बाद लोग क्या करते हैं, एक लाइट लूज पाउडर लेते हैं जो कि उनके फाउंडेशन से मैच करता हुआ चिट्टा होता है, उसी से ही वो अपने पूरे फेस के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरा फेस सेट कर लेते हैं। ज्यादातर लोग बस समझते हैं कि अपने फेस को गोरा करना ही मेकअप होता है, दैट्स नॉट मेकअप। आप लोगों ने अपनी स्किन को लाइक अच्छा बनाना होता है, दैट्स फॉल्स मेकअप। ये नहीं कि आपने स्किन को चिट्टा करना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने फेस के अकॉर्डिंग जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था लूज पाउडर, इसे मैं सबसे पहले अपने अंडर आई एरियाज पे एंड अपने जहाँ जहाँ पर मेरी क्रीज लाइन बनती है वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूंगी, प्लस अपने फोरहेड पे भी। एंड 30 सेकेंड्स के बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया था उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कुछ लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले वो लोग एक ब्रश लेते हैं, देन जस्ट यहाँ से सीधी लाइन क्रिएट कर देते हैं अपने ईयर से लेके अपने लिप्स तक। एंड वो लोग समझते हैं कि जस्ट चीक बोन ही जहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल करना है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इस तरीके से कंट्रोलिंग नहीं होती, कंट्रोलिंग करने के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर आप लोगों ने ब्राउन एरिया कंट्रोल जो भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। ओके, तो आप लोगों ने कोई भी एंगल ब्रश लेना है, आप लोगों ने प्रोडक्ट पिक करना है, जो भी आप लोगों ने करना है इसे अच्छे तरीके से पहले डस्ट ऑफ करना है। देन आप लोगों ने अपने यहाँ पर जो एरियाज है चीक बोन्स है वो अपवर्ड्स में लेके जानी है, ब्राउन एरिया कंट्रोल जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करना है साथ साथ, एंड इसे अपवर्ड्स में लेके जाना है। अपने चीक बोन वाले एरियाज पर आप लोगों ने कंट्रोलिंग करनी है। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ब्राउन्जर अप्लाई करने का होता है, जैसे सेकंड वन इसके आप लोगों ने अपनी जो लाइन पर ब्राउन्जर या कंट्रोल अप्लाई करना होता है। एंड जो हमारी तीसरी जगह होती है ब्राउन्जर अप्लाई करने की वो होती है फोरहेड। फोरहेड पे आप लोगों ने थोड़ा सा लाइटर शेड लेना, जैसे अभी यहाँ पे मैंने दो शेड मिक्स करके अपने चीक बोन पे एंड जो लाइन पे अप्लाई किए थे, आप लोगों ने फोरहेड पे जस्ट एक ही शेड लेना जो थोड़ा सा लाइट हो, तो उसे मैं अपने फोरहेड पे अप्लाई करूंगी एंड इसे ब्लेंड आउट कर दूंगी बिल्कुल अपने इस वाले ब्राउन्जर के साथ जो मैंने जो लाइन पे अप्लाई किया था। हमारा चौथा पार्ट होता है ब्राउन्जिंग करने का, वो होता है हमारा नोज। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेम लाइट कलर का ब्राउन्जर, इसे मैं एक ले रही हूँ एंगल ब्रश के ऊपर, इसे जस्ट मैं अपने नोज पे अप्लाई करूंगी। एंड नोज कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा अहम पार्ट होता है मेकअप का, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने नोज के ऊपर भी ब्राउन्जर अप्लाई कर लिया है। ओके, तो बात करते हैं ब्लशिंग की। ब्लशिंग कुछ लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सारा ब्रश लेके इसके ऊपर ब्लश भर के अपने यू राउंड करके अप्लाई कर लेते हैं एंड अपने नोज पे भी, इज टोटली ओके। अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा लंबा फेस है आप लोग इस तरीके से अपना जो ब्लशिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस को थोड़ा राउंड दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर आप लोगों का राउंड फेस है तो ये वे बिल्कुल गलत है ब्लशिंग अप्लाई करने का, क्योंकि इससे जो आपका फेस है वो और ज्यादा राउंड लगने लग जाता है। यहाँ पे जो राइट वे है ब्लशन अप्लाई करने का वो ये है कि आप लोग कोई भी छोटा फ्लफी ब्रश लेके अपवर्ड्स में बिल्कुल जहाँ पे आप लोगों ने ब्राउन्जर या कंटूर अप्लाई किया उसके ऊपर वाले एरियाज में आप लोग ब्लशन अप्लाई कर लें, इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करें। ओके, तभी आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लशन भी अप्लाई कर लिया है। देन अब बारी आती है अपने लोअर लेश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करने की। ओके, तो कुछ लोगों की कहानी होती है कि एक ब्लैक आई शेडो लेके अपने पूरी लोअर लेश लाइन पर अप्लाई कर लेते हैं। सो इट डजेंट लुक्स गुड, आप लोग खुद ही यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। जो राइट वे है आई शेडो अप्लाई करने का अपनी लोअर लेश लाइन पे वो ये है कि आप लोग ब्लैक ही शेड पहले यूज करें, जस्ट अपने आउटर वी पे आप लोगों ने ब्लैक शेड अप्लाई करना है एंड उसके बाद एक ब्राउन आई शेडो लेके आप लोगों ने अपने इनर आई पे एंड उसके जो नीचे आप लोगों ने ब्लैक अप्लाई किया है उसके साथ इसे मर्ज करके ब्लेंड आउट कर दें। ओके, तो भी आप लोग देख सकते हैं दोनों आईज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। मुझे अपना एक आई मेकअप देख के अपने बचपन की याद आ गई कि मैं किस तरह पहले मेकअप किया करती थी। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं इस तरीके का मेकअप करके एक दो इवेंट्स में भी गई हूँ, एक अपनी घर की शादी में भी मैंने खुद अपना इस तरीके का मेकअप किया था। उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट समझती थी एंड अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं कितनी ज्यादा। कुछ लोग अपनी लोअर लेश लाइन पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई करने के बाद अपने वाटर लाइन में भी ब्लैक काजल अप्लाई कर लेते हैं, विच डजंट लुक्स गुड। तो भी आप लोग यहाँ पे खुद देखेंगे डिफरेंस दोनों आईज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैंने यहाँ पे ब्लैक काजल अप्लाई कर लिया है
तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मेरी आंख कितनी ज्यादा छोटी लग रही है। मैं दूसरी आंख पर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ व्हाइट काजल, एंड अभी आप लोग देखना कि मेरा आई मेकअप कितना ज्यादा इनहेंस होगा, प्लस मेरी आंख भी बड़ी लगेगी। तो अभी आप लोग यहाँ पे डिफरेंस खुद देखें कितना ज्यादा है दोनों आई मेकअप में। ओके सो इट्स टाइम फॉर द हाईलाइटर। हाईलाइटर जस्ट कुछ लोग अपने लाइक पूरे अपने चीक पर अप्लाई कर लेते हैं, जहां पर उन लोगों के पिंपल्स हो रहे होते हैं वो वहां पर भी हाईलाइटर अप्लाई कर लेते हैं, लाइक जैसे भी मेरे फोरहेड पे एंड थोड़े से यहाँ पर पिंपल्स हो रहे हैं। एंड एज यू गाइस कैन सी हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद वो और ज्यादा इनहेंस हो गए हैं। मैं आप लोगों को अपनी रोज वाली साइड पर हाईलाइटर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे अपने चीक बोन के ऊपर आप लोगों ने हाईलाइटर अप्लाई करना है, एंड आप लोगों ने वहां पर हाईलाइटर बिल्कुल नहीं अप्लाई करना जहां पर आप लोगों के हैं पिंपल्स, वरना वो और ज्यादा इनहेंस होंगे, आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। ओके तो हाईलाइटर अप्लाई करना है फोर जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है आप लोगों का इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन। यहाँ पर लोग बिल्कुल भी हाईलाइटर नहीं अप्लाई करते जिससे उनका आई मेकअप पे ज्यादा इनहेंस नहीं होता। तो भी आप लोग देख सकते हैं इन दो जगह पर हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद मेरा आई मेकअप कितना ज्यादा इनहेंस हो रहा है। एंड अब लिपस्टिक की बात करते हैं, कुछ लोगों का क्या तरीका होता है, कोई भी न्यूड शेड लेते हैं अपने लिप्स के ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि न्यूड शेड अप्लाई करना इज बेस्ट चॉइस, बट इस तरीके से न्यूड शेड बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होता। सबसे पहले आप लोगों ने अपने लिप को करना होता है कंट्रोल। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन कलर का लिप कंट्रोल। एंड अब मैं सेम कलर लेके अपने लिप्स पर अप्लाई करूंगी। ओके तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने दोनों साइड पर मेकअप कर लिया। एक साइड पे मैंने किया है डॉट्स एंड एक साइड पे मैंने किया है डूज। इस वाली साइड पे मैंने वो वाला मेकअप किया जो आप लोगों को अवॉइड करना है, ये वाली चीजें करना। एंड इस साइड पे मैंने उस तरीके से मेकअप किया कि आप लोगों को किस तरह मेकअप करना चाहिए, क्या राइट वे है मेकअप करने का। तो आप लोग डिफरेंस खुद देख सकते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों साइड के मेकअप में। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के पास कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए आप लोगों किट में, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जाके चेक कीजिए, अफोर्डेबल प्लस बेस्ट अपनी मेकअप किट क्रिएट करिए। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुझे वाली साइड बिल्कुल मेरे बचपन की याद दिलाती है कि मैं किस तरह मेकअप किया करती थी। ये वाली साइड पे आप लोग डिफरेंस खुद देख सकते हैं। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से वाली साइड मेकअप की आप लोगों को अच्छी लगती है एंड कौन सा वे आप लोग यूज करते हैं मेकअप करने। एंड प्लीज वाइफ टू डू मेकअप लाइक दिस, आप लोग इस तरीके से करिए, आपको आपका मेकअप बेस्ट रहेगा। सो ऐसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अपनी हर उस फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो इस तरीके से मेकअप करती है, उन लोगों को बताएं कि आप लोगों को किस तरह मेकअप करना चाहिए। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जो भी वीडियो अपलोड करो आप लोगों को इजीली मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।